ड्रैगन को बड़ा झटका है। ये भारत का श्रीलंका के साथ 70 करोड़ डॉलर का टर्मिनल समझौता हुआ है। श्रीलंका में ड्रैगन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। भारत की ये बड़ी डील है। हम जानते हैं कि किस तरह से चीन लगातार श्रीलंका में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। भारत श्रीलंका में ये जो बड़ी डील हुई है ये अहम है, क्योंकि चीन लगातार श्रीलंका पर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, उनके साथ समझौते कर रहा है। अब ये बड़ी डील भारत और श्रीलंका के बीच हुई है, तो दरअसल ड्रैगन को ये बड़ा झटका है। क्यों है? क्योंकि भारत ने श्रीलंका से 70 करोड़ डॉलर की डीप सी कंटेनर टर्मिनल समझौता किया है और ये भारत और श्रीलंका के बीच समझौते की कड़ी में आगे बढ़ेगा। द श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी और भारत के अडानी ग्रुप के बीच ये बड़ी डील हुई है। नया पोर्ट कोलंबो में चीन के बनाए 50 करोड़ डॉलर के चीनी जेटी के पास बनाया जाएगा। श्रीलंका के बंदरगाह सेक्टर में अब तक का ये सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा। श्रीलंका ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन से फिर 2.2 बिलियन डॉलर का कर्ज मांगा था। श्रीलंका पहले ही 1.4 अरब डॉलर लोन के बदले हम्बनटोटा बंदरगाह चीनी कंपनी को सौंप चुका है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि चीन से मिलने वाली चुनौतियों के मद्देनजर भारत की श्रीलंका से यह डील बेहद अहम साबित होगी। और देखिए, ये अहमियत रखता है किस तरह से चीन अपने फुटप्रिंट्स भारत के आसपास के इलाके में बहुत लंबे समय से बढ़ाता रहा है, श्रीलंका में ऐसा वो करता रहा है, और ये डील ड्रैगन के बढ़ते कदमों को रोकने में क्या अहम साबित होगी या नहीं, इसी पर बात करते हैं हमारे साथ मौजूद तमाम एक्सपर्ट से। अमिताभ जी, ये जो डील है श्रीलंका के साथ जो हुई है, ये क्या जो ड्रैगन के बढ़ते फुटप्रिंट्स हैं, चीन के बढ़ते फुटप्रिंट्स हैं श्रीलंका में, उनका बढ़ता प्रभाव है, उसे किसी हद तक कंटेन करेगा, बैलेंस करेगा? बिल्कुल करेगा। ये बहुत बहुत अहम डील भारत ने श्रीलंका के साथ की है, क्योंकि अब तक चीन जो है वो श्रीलंका को इसलिए भी एंगेज कर रहा था क्योंकि श्रीलंका का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, सो एज टू से, और उस हम्बनटोटा पोर्ट को जो डेवलप किया और उसके बगल में जो शहर बना है वो पूरा रियल एस्टेट को वो चीन ही डेवलप कर रहा था। लेकिन चीन ये जानता है कि जितना लोन लेंगे, जितना डेवलप करेंगे, एक डेट ट्रैप में हम उस राज्य को फंसा। उन्होंने किर्गिस्तान के साथ यही किया, किर्गिस्तान को डेट दिया, उनके लैंड को वापस अपने लैंड में मिला के उनकी बाउंड्री को, उनकी टेरिटरी को अपनी बाउंड्री में मिला लिया। तो ये श्रीलंका और अन्य राज्य भी इससे डरते हैं। तो ये एक बहुत अहम डील होगी जिसका निटी-ग्रिटी तो अभी पता चलेगा, लेकिन पोर्ट से अगर डील हुई है इंडिया की तो वो इंडिया के लिए और पूरे इंडियन ओशन के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और इंडो पैसिफिक के सिक्योरिटी के लिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यहां से बहुत मायने रखती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।